गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि देश विभाजन के लिए अकेले जिन्ना ही नहीं नेहरू भी जिम्मेदार थे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मैंने जो अधिकारियों से बात की है उसमें आप सबके सहयोग से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नगर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो उसी वार्ड से लगेगा वो भ्रमपूर्ण है, गलत है। और मेरा निवेदन भी है जो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं उनसे कि भ्रमित न करें, और जो भ्रम में आ रहे हैं उनसे भी कि भ्रमित न हो। एक बात बताएं आप मेरे को, सवाल खड़ा वो मोदी जी पर करते हैं, सवाल खड़ा वो देश पर करते हैं, सवाल खड़ा वो सेना पर करते हैं, सवाल खड़ा वो ईवीएम पर करते हैं, सवाल खड़ा वो वैक्सीन पर करते हैं। कभी आतंकवादियों पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने? अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की? हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पर भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों, ऐसे करके वो डायवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए, खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 43 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 54 लोग ठीक होकर अपने अपने घर और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस जो संपूर्ण प्रदेश में है वो 243,243 प्रकरण एक्टिव संपूर्ण प्रदेश में है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.60 है, वहीं रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में जो सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 7,169 हैं, जो अभी तक हमारे 24 घंटे में वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 60,926 लोगों को वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,37,805 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी अब इसके बारे में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस का जिन्ना के साथ सज्जन रिश्ता क्या है, उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए। और एक बात मैं सज्जन भाई को धन्यवाद तो दूंगा कि उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया कि विभाजन में अकेले जिन्ना नहीं नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने कहा कि जिन्ना ने भला किया देश का विभाजन करके, वो और थोड़ा भला कर देता है, इस कांग्रेस को ले जाता ना वहां पे तो देश का ही भला हो जाता। देखो मित्रों, कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़े, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो, उससे आपको लगेगा कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है। पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में तो हमारी पुलिस का टेका लगा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन पंजाब में नहीं बोल पा रहे हैं। आप ऐसी कोई पार्टी देखी होगी कि जिसके एक महीने के अंदर ही मंत्री जेल में चला जाए? अब दिल्ली और पंजाब की जनता के स्वास्थ्य का हाल भगवान भरोसे ही है, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। देखो एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है,
क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया, और इसलिए नोटा की तरह आप पार्टी आ गई है। लोग वोट दे के पछता रहे होंगे। कांग्रेस महापौर पद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।